हेलो एलिवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैंने ये ट्राई कलरी कोकोनट बर्फ़ी बनाई है जो कि इंस्टेंट रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आए ट्राई कलर बर्फ़ी की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम ये 1 टीस्पून इसमें हमने देसी घी ऐड कर लेंगे। घी को हम मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे मैंने ये 1 कप, ये 250 ml का मेजरमेंट कप है, इससे मैंने 1 कप ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये लेके हम इसमें डाल के हम इसे भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम करके ही हमें इसे भून लेना है। इसे 7 से 8 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमें मीडियम या फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, वरना ये जल्दी से होने लगता है, बहुत जल्दी ये ब्राउन होने लग जाएगा। तो हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हमें इसका कलर जो है ये वाइट ही रखना है। बस हमें इसे 7 से 8 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। तो देखिए ये 7 से 8 मिनट हो गए मुझे भूनते, और यहाँ पे मैंने ये 1/2 कप दूध लिया है, ये लेके हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स करके इसे हम चला लेंगे। 1/4 कप यहाँ पे मैंने ये चीनी ली है, ये लेके हम इसमें ऐड करेंगे और चीनी को हम अच्छे से इसमें डिजोल्व होने देंगे। अब हम इसमें यहाँ पे मैंने ये 1/2 कप ये मिल्क पाउडर लिया है, ये लेके हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर से जो है मिठाई का टेस्ट आता है, इसमें ये खोवे का टेस्ट आता है, मावे का, तो इसलिए हम इस पेज पे यहाँ पे ये मिल्क पाउडर इसमें ऐड करके इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। जब तक ये गाढ़ा ना हो तब तक हम इसे कंटिन्यूस इसे स्टर कर लेंगे। तो देखिए ये काफी गाढ़ा हो गया है, तो देखिए ये बॉटम से भी ये छोड़ रहा है, ये देखिए। इसे पलटने पे ये जब ना चिपके तो मान लीजिए ये अच्छे से ये ठीक हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ट्राई कलर की मिठाई बनानी है, तो इसलिए हम इसे इसके 3 पार्ट कर देंगे। तो देखिए इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सैफ्रॉन कलर का ये फूड कलर लिया है, ये लेके हम एक बोल में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये सैफ्रॉन कलर बनके ये रेडी हो गया। बस मैंने यहाँ पे ये 1 पिंच ये फूड कलर लिया था और यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर रेडी करके रख लिया है, इसे भी लेके एक बोल में हम डाल के ग्रीन कलर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर शेप का एक ग्लास कंटेनर लिया है, तो इसमें अब हम इसे बर्फ़ी जैसे जमाएंगे। तो सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर बॉटम में डाल देंगे और डाल के हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने ये बॉटम में ये ग्रीन कलर इसमें डाल दिया है और इसे हम स्प्रेड कर लेंगे इवनली। तो अब हम इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर है ये हम इस पे लगा देंगे। इसके ऊपर हम ये सैफ्रॉन कलर जो है ये इसके ऊपर डाल के हम स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो देखिए ये 1 घंटा हो गया है,
और ये अच्छे से ये सेट हो गई है। तो देखिए ये इजीली बाहर निकल के आ गई ये मिठाई, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये ट्राइकलर मिठाई बन के रेडी हो गई। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।